Very good morning class 8. I hope you are good at home. So today we are going to start our English chapter number 7, the power of determination. Determination का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी will power को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल strong कर लेते हैं और हम किसी भी aim को क्या कर लेते हैं कि हमें किसी aim को क्या करना है, achieve करना ही है. तो ये एक story है एक person की Gavin Cunningham की, जिनके साथ school में एक accident होता है. क्या जाता है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है कि डॉक्टर्स उनको कह देते हैं कि वो इसमें अभी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, इवन तो वो उनको बचा भी नहीं पाएंगे. लेकिन फिर भी गैलन कनिंघम क्या करते हैं, इसमें हार नहीं मानते हैं. वो अपने आप को ये नहीं शो कराते हैं कि वो पैरालाइज हो चुके हैं, क्रिपल्ड हो चुके हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, उन्होंने बल्कि ये सोचा कि वो क्रिपल्ड बन के ना रह के क्या करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे और अपने आप को व्हील चेयर के अराउंड में नहीं रखेंगे. क्या करेंगे वो अपने इस लोअर पार्ट को क्या करेंगे, अपनी वीकनेस ना बनाकर क्या करेंगे, अपनी स्ट्रांगनेस बनाएंगे. तो यही वो स्टोरी है गैलन कनिंघम के साथ एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने अपने आप को क्या करा, इतना स्ट्रांग बनाया. वो रोज अपनी जो है एक्सरसाइज करते थे, उनके पेरेंट्स उनको पूरा सपोर्ट किया करते थे इस चीज में. उन्होंने रोज उनकी मालिश होती थी और वो भी क्या करते थे, जब भी वो बाहर जाते थे वो क्या करते थे, अपने अपने आप को क्या करते थे, वहाँ क्या करते थे, वहाँ उनके घर के बाहर जो फेंस लगी होती थी वहाँ तक अपने आप को पहुँचाने की कोशिश किया करते थे. थक भी जाते थे लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, हारते नहीं थे और अपने आप को क्या करते थे, वहाँ तक पहुँचाते रहते थे. तो दिन भर डे बाई डे वो ऐसा करते रहते थे और एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद उनमें इतना एंथुसियाज्म आ गया था, यानी कि इतना जोश आ गया था, इतना ज़्यादा उनको खुशी मिल रही थी उनकी फैमिली को. और उन्होंने ये खुशी किसके साथ, पूरे टाउन के साथ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी करी, उनके साथ खुशी मनाई और उनके इसी तरह से उनका एक नाम भी हुआ कैंसर फ्लायर. अब उनका कैंसर फ्लायर नाम ऐसे हुआ कि जब वो कॉलेज में गए